वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। ये है हमारी खूबसूरत सी डिज़ाइन जिसको हम सूट पे सबसे पहले ट्रेस करेंगे कार्बन से, और उसका प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले डिज़ाइन को फिक्स कर लेंगे, जैसे मैंने आपको ट्रेस वाली वीडियो में बताया था फिक्स करने को। और हम उसके नीचे डालेंगे कार्बन पेपर, बहुत ही आराम से डालेंगे, नीचे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं चाहिए, वाइट क्लॉथ है उस पर मार्क आ जाएंगे। अभी देखिए हमारी पूरी डिज़ाइन कवर नहीं हुई है, लेकिन हम पहले इतना ड्रॉ कर लेंगे फिर कार्बन को लगाएंगे आगे करके, क्योंकि अगर पहले ही लगा देंगे और हाथ रखेंगे तो वो हाथ का जो प्रेशर की वजह से हाथ का भी उसमें छप जाएगा। अब हम पेंसिल लेंगे और थोड़ा सा प्रेशर, हल्का प्रेशर रखते हुए उसको आउटलाइन को वापस से रिपीट करेंगे ताकि हमारा नीचे ट्रांसफ़र हो जाए, और उसको वन बाय वन हम बहुत ही पेशेंस के साथ ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद हम बहुत ही आराम से, जब हमारा सारा ट्रेस हो गया है, अब हम वन बाय वन पेंट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कार्बन को निकाल लेते हैं, आराम से निकालेंगे, खींचना नहीं है। अभी हल्का सा इसलिए आगे कर लेना है जहाँ तक हमें पता है कि कौन सा रोज़ हमने ड्रॉ कर लिया है, कौन सा नहीं किया है। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया, पिन को निकालेंगे, ट्रेसिंग पेपर को हटा देंगे। ये देखिए हमारी डिज़ाइन ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे पेंट। सबसे पहले लीव करूँगी और उसका मैं आपको कलर शो कर रही हूँ, वाइट, सैप ग्रीन और ऑलिव ग्रीन। ब्रश नंबर 6 है। वन बाय वन हम अपनी लीव को जो है पेंट करना शुरू करेंगे। इसमें छोटी छोटी लीव है और लीव ज़्यादा मैंने डाली है, तो ये आप ध्यान से देख लें इसका प्रोसीजर जो है, और बाद में मैं आपको फास्ट दिखाऊंगी ताकि सारा आप देख सकें, वरना वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। और स्टेप तो सारे सेम है, कलर भी सेम है, तो हम लोग उसको बहुत ही आराम आराम से करेंगे। ये जो प्रोसेस है वो आप ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, फिर मैं आगे आपको और बातें बताती रहूँगी। लीव में हम पहले वाइट ऊपर से फिल किए हैं, नीचे लगाएंगे ऑलिव ग्रीन, या आप सैप ग्रीन ही यूज़ कर सकते हैं, या लाइट ग्रीन का जो शेड हो आपके पास वो, और फिर बाद में डार्क ग्रीन से हल्के हल्के नीचे से थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे ताकि वो डिफाइन हो जाए। देखिए नीचे यहाँ पे मैं आपको पहले डार्क ग्रीन लगा के दिखा दे रही हूँ, देखिए डार्क ग्रीन है ना, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन नहीं है आपके पास तो आप सिंपली वाइट जब मिक्स करेंगे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो आपका हो जाएगा। और इसी तरीके से हम वन बाय वन अपनी लीफ को पेंट कर लेंगे। पेंट करने के बाद उसको मैं अभी, वन नंबर आपके पास ब्रश होना चाहिए या ज़ीरो नंबर का ब्रश रखा करिए, जिससे कि आप उसको ज्वाइन कर सके, डिज़ाइन को ज्वाइन करने के लिए वो ब्रश बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी लीफ पेंट हो गई है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये है हमारा ज़ीरो नंबर का ब्रश, उससे हल्की हल्की लाइन दे देंगे। और भी अभी हमारे डिज़ाइन में बहुत सारी लीव है, तो वन बाय वन हम सारी लीव को जल्दी जल्दी पेंट कर लेंगे। स्टेप वही है सेम, मैं अभी आपको ये तीन लीव जो बची है वो भी पेंट करके दिखा दूँगी ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे अगर, और सारे स्टेप को देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से पेंटिंग सीख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पहले फिल कर लिया है कलर, लाइट ग्रीन कलर, और आपके पास ये नहीं है तो आप डार्क ग्रीन और वाइट को मिला के बना सकते हैं, और उसके बाद नीचे से डार्क ग्रीन कलर का शेड दे देंगे और ऊपर से हल्का हल्का वाइट लगा लेंगे। तो आपको जो भी प्रोसीजर आसान लगता है, जो भी स्टेप्स आसान लगते हैं, आप उस तरीके से बना सकते हैं। और उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे।
और उसमें हम नस बना देंगे। ये नस बनाना और ज्वाइन करना ये सब हम करेंगे 0 नंबर के ब्रश से। ये हमारा हो गया। अब हम इसकी डिज़ाइन की डेंटल बना रहे हैं। पहले डार्क कलर लगा लेंगे जहाँ जहाँ हमें डार्क रखना है, और उसके बाद लाइट ग्रीन से पूरा फिल करते हुए शेड कर लेंगे। तो हमारी डेंटल बन के तैयार हो गई है। ये सारा कुछ करने के बाद देखिए हमारी, मैंने सारी लीव कर ली है। मैंने आपको शुरू में दिखाया और लास्ट में, क्योंकि स्टेप तो सेम है, सेम ही लीव है छोटी वाली। अब ये हमारी डिज़ाइन की सारी लीव हो चुकी है। अब हम अपना ग्रीन कलर करेंगे बंद। देखिए ऐसा लग रहा है। और ब्रश व्रश धुल के पानी, अगर आपने ग्रीन लिया है तो पानी को चेंज कर दीजिए। अब हम कलर लेंगे रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज, ब्लैक और मैरून एक दूसरे लगाएंगे डार्क शेड की जगह पे। तो ध्यान आपको देना है कि लाइट शेड में क्या रखा है और डार्क शेड में मैरून और ब्लैक रखें। ये थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप ऐसे बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या है कि बहुत ही वीडियो ध्यान से देखनी है और सारा स्टेप फॉलो करना है। जैसे जैसे मैंने पेंट किया है वैसे वैसे आपको करना है। इसमें 3 फ्लावर है और सबका स्टेप की वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन रही थी, क्योंकि ये टिपिकल है तो मैंने सारी वीडियो बनाई है। इसमें मैंने 2 फ्लावर की डाली है, आप उसको देखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो कुछ जो स्टेप्स मैंने इसमें नहीं शो किए हैं ये वाले फ्लावर को, क्योंकि फ्लावर की कलर कॉम्बिनेशन एक ही जैसा है, शेप डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा पार्ट वो करके इसलिए इसको छोटा किया ताकि मैं आपको नेक्स्ट वाला रोज़ भी दिखा सकूं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो भी डाल दूंगी, तो आप देख के बना सकते हैं। इसको पेंट करते वक्त आपको बहुत ही पेशेंस के साथ पेंट करना है, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करना है। देखिए आपकी शेडिंग एक बार अच्छी बन जाएगी तो आप जब जब अपना सूट पहनेंगे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सारे पेटल्स को कर लेंगे। शेड वही है और इसके बाद मैं फिनिश करूँगी। अभी जो ये पेटल जो मैंने आपको इसमें नहीं शो किया, अभी नेक्स्ट वाले रोज़ में दिखाऊँगी कि कैसे पेंट करना है। और बाद में भी मैं सारे रोज़ का एक एक वीडियो अलग से डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करके डाल दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वीडियो में सारा कुछ मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था, तो आप लोग को भी बोर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को इसमें आप लोग सूट देख लीजिए, लुक देख लीजिए कैसे करना है, क्या कलर है, ताकि आप मार्केट से मटेरियल परचेस कर लें, कलर्स ले लें। और उसके बाद मैं आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो हर रोज़ का डाल दूँगी, फिर आप देख के सेम बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप एकदम बिगनर्स हैं तो पहले बिगनर सीरीज़ देखिए, उसमें भी मैंने रोज़ सिखाया है, वो आप पहले सीखें उसके बाद। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन अगर आप एक पेटल एट अ टाइम करेंगे, 1 पेटल एट अ टाइम, तो ये उतना भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे मैं शेड कर रही हूँ, जैसे वाइट लगा के यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, तो आपका भी आई होप कि आपका भी वैसा ही बनेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा। एक दो बार में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन क्लोज लुक आपका बन जाएगा। ये है डिज़ाइन का सेकेंड रोज़। इसको भी हम पेंट करेंगे। देखिए डिफरेंट शेड यूज़ किया है मैंने, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो पिटल है, जो फर्स्ट के बाद सेकंड पिटल है, वो लग रही है ना कि वो सेकंड के ऊपर है, तो ऐसा रियलिस्टिक लुक आएगा आपका। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अगर आपको लग रहा है कि कैसे बनाएं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको कौन से रोज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस रोज़ की वीडियो डिटेल एक्सप्लेन करके डाल दूँगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप देख लें कि कैसे बन रहा है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इसका लुक कैसा है ये सारी चीज़ें देख लें। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी जिनको पेंटिंग पसंद है, हैंड पेंटेड चीज़ बनाना पसंद है, सीखना पसंद है, उनके साथ शेयर करें। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, डिज़ाइन कैसी लग रही है, और जो प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हैं।
शेडिंग करते वक्त हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी पिटल छोटी पिटल हो या बड़ी, सबको हम ध्यान से शेड करेंगे। छोटी पिटल को भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि बस उसमें पूरा शेड फिल करके छोड़ दिए, नहीं, उसको भी हम अच्छे से शेड करेंगे। उससे क्या होता है, हमारा ओवरऑल लुक जो है वो रियल आता है जब हम हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से पेंट करते हैं। और आपको ब्रश अपना उसी डायरेक्शन में चलाना है जिस डायरेक्शन में पिटल है, जिस डायरेक्शन में आप पेंट कर रहे हैं, जिस पिटल को शेड कर रहे हैं उसका शेप देखेंगे किस तरीके का शेप है, और फिर उसी डायरेक्शन में ब्रश का मूवमेंट रखेंगे। उससे क्या होगा, आपका कलर जो है, कलर का शेड जो है वो बहुत ही स्मूद आएगा और अच्छा आएगा। आप स्ट्रेट स्ट्रेट शेड नहीं देंगे, हमेशा ही जब शेडिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा कर्व होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कर्व होगा, हम फिल भी करेंगे तो उसी तरीके से फिल करेंगे। ऐसा नहीं करना कि हमें फिल करके शेड करना तो हम किसी भी तरीके से फिल कर लिए, नहीं। उससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है ना, तो फिल भी आप उसी तरीके से करिए, शेड भी उसी तरीके से करिए, ताकि डे बाई डे आपकी पेंटिंग इम्प्रूव होती जाए। आप देख रहे हैं इसका लुक कितना ही अच्छा बनता जा रहा है। ये जब बन के कम्प्लीट होगा तो ये बिल्कुल ही रियल रोज़ की तरह लगेगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने पे। अगर आप इसको बनाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप राउंड ब्रश से बना रहे हैं और कलर का शेड भी है, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करना है, टाइम लगेगा, लेकिन ये वर्थ इट है। ये बहुत, इसका ओवरऑल लुक बहुत ही प्यारा आएगा। अगर वाइट पे आपको मल्टी कलर की डिज़ाइन बनानी है या थोड़ा सिंपल में बनानी है तो मैंने वो वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने डिज़ाइन थोड़ी सिंपल पे रखी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको कलरफुल सूट बनाना है तो आप प्लेलिस्ट से देखें, आपको ब्लैक पर्पल डिफरेंट टाइप का सूट देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख के अपने अकॉर्डिंग जैसा सूट आपको बनाना है, जैसा दुपट्टा पेंट करना है, आप कर सकते हैं। देखिए ये हमारा रोज़ बन के हो गया तैयार। हमारा रोज़ बन के थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे फिनिशिंग, देंगे लास्ट टचिंग डिफाइन, उससे ये हो जाएगा और डिफाइन। ये सारा आप ज़ीरो नंबर के ब्रश से भी कर सकते हैं या उसी ब्रश से करिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अब हमारी डिज़ाइन जो है बन के पेंट होके तैयार हो गई है। जो मेन डिज़ाइन मैंने रखी है बीच में, वो देखिए ये खूबसूरत सी डिज़ाइन तैयार हो गई है। अभी हमें सूट में और भी कुछ बनाना है तो वो हम आगे बनाएंगे, जैसे कि गला। अब गले के लिए पहले मैंने गले के शेप में जैसा आपको सिलना है उस तरीके से रेड या मरून, आप जो चाहें वो कलर की वैसा शेप ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद मैंने तीन रखी है कली और उसके साथ तीन तीन पत्ती, वो ऊपर बनाएंगे हम नेक लाइन पे, और नीचे भी कुछ डिज़ाइन के साथ बनाएंगे, वो मैं आपको अभी शो कर दूँगी। पहले आप स्टेप देख लीजिए किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारे लग रहा है। उसके बाद हम ग्रीन से इसको बना लेंगे। इसका स्टेप आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसका स्टेप ध्यान से देखेंगे आपको बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा।
इस तरीके से हम कली बना लेंगे। ये हमारी जो छोटी सी डिज़ाइन है, इसको हम डिज़ाइन के अगल बगल भी थोड़ा थोड़ा बना, थोड़ी दूर पे बना लेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको अरेंज किया है ताकि हमारा जो दामन है वो पूरा भरा हुआ लग रहा है और नेक लाइन भी है इसके साथ। अभी मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन भी दिखा दूँगी, आप इसके साथ कौन सा दुपट्टा लगा सकते हैं। तो आप इसके साथ वाइट दुपट्टा लगाइए और मरून शलवार लगा सकते हैं, पैंट लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। या तो फिर आप अपोजिट कर सकते हैं, मरून दुपट्टा और मरून पैंट लगा सकते हैं। मैं दोनों आपको रख के दिखा दूँगी। अभी ये जो सूट है, ये देखिए इसका क्लोज लुक पहले देख लीजिए, कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये वाला रोज़ मैंने करके दिखाया है, ये इसको मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको देखना है तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो डाल दूँगी। ये सारी कली इसमें अलग से लगाएंगे। और ये पहला वाला फ्लावर था, ये हमारी पूरी डिज़ाइन है। अब देखिए, ये अभी सिला हुआ नहीं है, अनस्टिच्ड है। जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो मरून कलर का ये थोड़ा सा क्लॉथ के बॉर्डर लगाएंगे कुर्ती के नीचे, ताकि वो और भी अच्छी लगे। और उसके बाद मैं लगाऊँगी इसमें मरून पैंट, और उसके साथ मैं सोच रही हूँ लेने के लिए वाइट दुपट्टा, या आप ले सकते हैं मरून दुपट्टा। तो आपको जैसा अच्छा लगे, आप जो कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहें, या आप मरून दुपट्टे के साथ वाइट पैंट रख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको दोनों दिखा दिया है, आपकी पसंद पे वो करता है। मैं इसमें ले रही हूँ वाइट दुपट्टा और ये लुक।